नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कटिंग करेंगे 32 साइज कटोरी ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल। और इसके लिए सबसे पहले हम फर्मा कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मुझे तैयार लेंथ यहाँ पे इस ब्लाउज के लिए चाहिएगी 13 इंच। हम लेंगे 13 प्लस हाफ इंच, ये हमारे ब्लाउज की लेंथ हो गई है। अब 32 साइज ब्लाउज का है और ये रिक्वेस्टेड ब्लाउज है, इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 4.75 हमें लेना है शोल्डर, 4.75 मैंने शोल्डर ले लिए हैं क्योंकि हम यहाँ पे कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने 2.25 इंच की नेक की चौड़ाई रख ली है आगे और पीछे दोनों साइड में। पहले हम फर्स्ट में बिग साइड का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। 4.25 इंच फिर से शोल्डर पॉइंट्स लगाए हैं और या फिर 5.5 इंच हम आर्मोल ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 8 इंच, बिग साइड पार्ट्स है ना, तो ये हो गया 8 इंच। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ बैक साइड के लिए 1 इंच का राउंड शेप, और इस राउंड शेप हमें देखिए इस तरह से मिला देना होता है। पॉइंट मिलाने के बाद में बैक साइड का जो शेप मिला दिया, इसके बाद में हम बैक साइड का नेक बनाएंगे। तो जो चूंकि नेक हम यहाँ पे ले रहे हैं 9.5 इंच, और इसीलिए मैंने नेक की यहाँ पे चौड़ाई 2.25 इंच रखी है। नीचे से हम कितना इसको ब्रॉड करेंगे, सिर्फ 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 2.5 इंच मैंने यहाँ पे नीचे से किया है। तो इस तरह से हम नीचे से हल्का सा ब्रॉड लेते हुए और अपने नेक को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। हो गया है बैक साइड का। अगर आप चाहते हो इससे थोड़ा सा और ब्रॉड करना है, जैसे आपको एक बता देती हूँ, तो यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे आप 3 इंच रखना चाहते हो, ये हमने यहाँ पे 1/2 इंच और बढ़ा दिया है, तो 3 इंच और होते ही यहाँ पे, और आपको ये नेक की जो विड्थ है 2.25 हमने रखी है, इसको आपको 2 इंच पे ले आना होगा, इसको आपको कम कर देना होगा। लोग कहते हैं ना शोल्डर गिरते रहते हैं, क्यों गिरते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मेजरमेंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, फैल जाता है नेक फैलते ही, और नेक जो इस तरफ आएगा, नेक सिकुड़ते ही और नेक आपका इस तरफ रहेगा कंट्रोल। ये देखो यही बात है, इसमें और कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नेक गिरता रहता है, हमें सोल्यूशन बताए क्यों। देखो आपको एक सोल्यूशन एकदम परफेक्ट है कि आप यहाँ से नेक की चौड़ाई एक्स्ट्रा लोगे, आपके शोल्डर गिरेंगे। आपने यहाँ से नेक की चौड़ाई को, जब अगर डीप नेक हो तो कंट्रोल कर दिया है इस चौड़ाई को, तो आपका नेक कहीं नहीं गिरेगा, चाहे आप कितना है डीप या ब्रॉड नेक करो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये चौड़ाई जो होगी ना आपकी, ये मोस्टली आपके नेक को कंट्रोल करती है। अगर आपने इस चौड़ाई को विड्थ को, नेक की विड्थ को एक्स्ट्रा कर दिया, आपका नेक गिरने लगेगा। आपने इसकी चौड़ाई को कम कर दिया तो आपका नेक कंट्रोल में रहेगा यहाँ से, और फिर आपका नीचे से चाहे कितना ही ब्रॉड हो चाहे कितना ही चौड़ा हो, अब नीचे से भी हमने ब्रॉड कर लिया, डीप कर लिया, और ऊपर से भी हमारी चौड़ाई ज़्यादा है, तो ब्लाउज इस तरफ ही भागेगा और वह शोल्डर जो हमारे ये वाले हैं वो इस तरफ बाजू की तरफ उतरने लगेंगे। तो ये मोस्ट कारण होता है इसका, आप हमेशा ध्यान रखें आपके ब्लाउज के शोल्डर कभी नहीं गिरेंगे। यहाँ पे हमने 1/4 इंच का शेप लगा देना है। कमर में आएंगे, कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, और उसके बाद में हम डाट का कितना लेंगे। यहाँ पे आप 1/2 इंच की डाट लगाओ तो 1/2 इंच ऐड कर लो, जो बैक साइड की टक्स होती है ना वो, और यहाँ पे 1/4 इंच की लगा देते हैं, उससे क्या है परफेक्टली बनता है। देखो डाट कहाँ लगाएंगे, चेस्ट के 10वें भाग में, यानी 3.25 इंच पे। डाट की लेंथ कितनी लेंगे हम, 4 इंच की ले रहे हैं, हमारे जो नेक हो ना उसके बराबर तक ही ली जाती है, इससे एक्स्ट्रा ना ले। अब 1/4 इंच हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो आप देखिए इस तरफ में मैं टोटल ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट इस तरह से मैंने 2 पॉइंट लगा दिए हैं। अब ये पॉइंट कितने आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1/4 इंच में हो गई ना, तो यहाँ पे ये हमारी डार्ट कवर हो जाएगी और हमें 1/4 इंच ही ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे 1/4 इंच ऐड कर दिया है। इस तरह से हम डार्ट लगाएंगे बैक साइड की, ये हमारी बैक साइड की डार्ट हो गई। ये डार्ट का सेंटर पॉइंट है और ये दोनों फोल्ड करने की स्टिचिंग लेने की लाइन है, जो लाइन है इस तरह से इसको आप बीच में करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे, ये बैक साइड की डार्ट होगी कंप्लीट। अब ये हमारा फिटिंग पॉइंट,
फिटिंग पॉइंट को हम इस तरह से फिटिंग पॉइंट में मिलाएंगे। ये हमारी कमर का फोर्थ पार्ट था और इतना हमने पौन इंच एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पे ऐड कर दिया। कमर हमारी बिल्कुल बराबर है और जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा रख लेते, तो ये 2-2 इंच का मार्जिन हो गया। बैक साइड पार्ट्स कंप्लीट है। आगे के पार्ट्स में क्या करना है, यही शोल्डर लेंगे 4.5, यही आर्मोल लेंगे 5.5, और ये जो शेप है ना ये हम कम कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे 1/2 इंच का, तो 1/2 इंच का कम करके और इस शेप को हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का शेप हो गया है, ये बैक साइड का शेप हो गया है, ठीक है ना। अब हम आगे का नेक ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आगे का नेक ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ से 2.25 इंच हमारी नेक की चौड़ाई है, यहाँ से मैंने की है 2.5 इंच, यानी बढ़ा दिया थोड़ा सा। और नेक की जो लेंथ लिया कटोरी ब्लाउज के अंदर 5.5 इंच लिया है। अब कटोरी कहाँ पे कटिंग करनी है, देखिए सबसे पहले इसका टैक्स पॉइंट मैं बताती हूँ। टैक्स पॉइंट क्या होता है, 32 साइज में आप चाहे कोई सा भी ब्लाउज बना रहे हो, बेल्ट का बना रहे हो या कटोरी का बना रहे हो या सिंपल सादा ब्लाउज बना रहे हो या फिर प्रिंसेस कट बना रहे हो, सभी में आपको टक्स पॉइंट तो चाहिए ही होगी। तो 32 साइज में हम कितना टक्स पॉइंट लेंगे, किसी भी ब्लाउज के लिए टक्स लगाएंगे 8.5 इंच पे, 8.25 या 8.5। नॉर्मली किसी की हाइट बिल्कुल छोटी हो तो उनके 8 इंच भी हो सकता है। अब यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का 10वां भाग, तो ये देख सकते हैं आप 3.25 या 3 इंच के लगभग हो गया है। अब क्या करना है हमें, चेस्ट का थर्ड भाग, 32 का थर्ड भाग हो गया है लगभग 10.5 इंच। तो इस पॉइंट से मैंने देखिए 10.5 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है ये वाला। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे कटोरी की कटिंग करने के लिए। इस साइज के अकॉर्डिंग मैं कटोरी ले रही हूँ, यहाँ पे देखो 4.5 इंच की, ठीक है। यहाँ से भी 4.5 इंच पे एक पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ से हम 2 इंच का स्पेस रखेंगे। ये वाला हमारा आगे का शेप है ना, आगे के शेप से हम 2 इंच का स्पेस छोड़ देंगे बराबर में और फिर हम इस तरह से इसको नेक लाइन में ड्रॉ कर देंगे। हो गया ना, वेस्टेज पार्ट यहाँ पे निकल जाएगा। अब इसका आपको ओरिजिनल कटोरी भी बताऊंगी, इससे पहले कमर की ड्रॉ कर लेते हैं। कमर का फोर्थ पार्ट 7.5 और 1/4 इंच सिम का 4.5 इंच और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन। अब हमें इस फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट में मिला देना है, इस तरह से मार्जिन पॉइंट को इस तरह से मार्जिन पॉइंट में मिला देना है। तो ये हमारे आगे के पार्ट्स की ड्रॉ हुए बिल्कुल परफेक्ट है। लेंथ हमने आगे पीछे के बराबर लिया है। अब देखो जब हम इसको कटिंग कर लेंगे ना, ये वेस्टेज पार्ट्स अलग हो जाएगा, ये तीरे का पार्ट्स अलग हो जाएगा और ये नीचे की क्रॉस पट्टी अलग हो जाएगी, 3 पार्ट्स होंगे। इस वेस्टेज पार्ट से हम ओरिजिनल कटोरी कटिंग करेंगे। ये है वेस्टेज पार्ट कटोरी का, वेस्टेज पार्ट से इससे ओरिजिनल कटोरी कटिंग करेंगे। ये दोनों हमारे पार्ट्स ओरिजिनल रहेंगे। जब इन दोनों को सिम करेंगे तो ये जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हो यहाँ से कट होके अलग हो जाएगा। सिम करेंगे तो सिलाई का एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा ना, तो वो स्पेस हम यहाँ पे इस पार्ट्स को इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है, लेंथ में। और इस पार्ट्स को जो तीरे का पार्ट्स है इसको हम इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे सिम का, ये ध्यान रखना है। इतने की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी सिम में इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है ना। जितना हमारी सिम में ज़रूरत होता है उतना लेंगे। अगर अदरवाइज आप इस तरह से नहीं ले रहे हो, आपकी लेंथ छोटी है, तो ऊपर तीरे के पार्ट्स को छोड़ दीजिए। आप जो नीचे की क्रॉस पट्टी है उसमें आप सिम का, दोनों की सिम का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का ऐड कर लीजिए। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसमें मैंने दोनों का नीचे की क्रॉस पट्टी में कटिंग ज़्यादा करना है, ध्यान रखें। मैं कहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी, दोनों की सिम का क्रॉस पट्टी में, ठीक है। तो वेस्टेज पार्ट्स निकालते हैं और इसकी ओरिजिनल कटोरी कटिंग करते हैं। ब्लाउज के सभी पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे। सबसे पहले नेक लाइन को, उसके बाद शोल्डर लाइन को, उसके बाद आर्मोल लाइन को और उसके बाद मार्जिन लाइन को कट करके अपने ब्लाउज के पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो शेप नहीं लगाया हुआ है, तो थोड़ा सी गोलाई लगा देते हैं कटोरी की फ्रंट साइड में, आगे की साइड में, और इस तरह से कटोरी के पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। तो हमारे साथ इसके चारों ओर ड्राइंग कर लें। ड्राइंग करने के बाद वेस्टेज को हटा दें। अब हम इसका मिडिल सेंटर बनाएंगे। जैसे ये 4.5 इंच की कटोरी है ना, 4.5 इंच का हाफ कितना
पांच का तो हाफ हो जाता है ढाई, ढाई से एक लाइन कम करते ये हो गया है पौने पांच का हाफ सेंटर। अब इस हाफ सेंटर को हम वन इंच नीचे लेके आएंगे, वन इंच। इस तरफ भी हम इसको वन इंच बढ़ा देंगे, वन इंच, क्योंकि ये साइज 32 ही है, छोटा ही साइज है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इसमें वन इंच काफ़ी है। यहाँ से हम इसको क्वार्टर इंच बढ़ा देंगे और यहाँ से भी बिल्कुल हल्का सा। अब इस तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे, तो आप देख रहे हो पॉइंट हमारे टच हो रहे हैं और इसी तरह से ये पॉइंट्स भी हमारे टच हो जाने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको भी मिला देते हैं, ये हो गया वन इंच का पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से हम हल्का सा क्वार्टर इंच, इतना सा मतलब एक सिम का जितना होता है उतना ही, क्वार्टर इंच की ज़रूरत नहीं है या फिर हाफ इंच की जरूरत, यहाँ पर बिल्कुल पूरा हाफ इंच लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए आप, ये हाफ इंच का पॉइंट है, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस पॉइंट्स को हमें इस तरह से करते हुए धीरे धीरे और इस हाफ इंच में इस तरह से मिला देना है। ये हमारा बेक जो राउंड का शेप है गोलाई का वो हो गया कंप्लीट, और इस पॉइंट्स को हमें इस पॉइंट्स पे मिला देना है। जब हम सिम करें ना, देखो ये सिलाई में जाएगा, जब हम हुक पट्टी या गढ़ाई की पट्टी जोड़ेंगे तब, तो ये हमने यहाँ पे सिम का एक्स्ट्रा ले लिया है, ये डबल सिम का लिया। यहाँ पे जो तीरे का पार्ट्स होता है ना, आपको मैं दिखाऊं, ये पार्ट्स होता है ना इसकी सिम का और इसकी सिम का, हमने यहाँ पे कटोरी में लिया है, एक सिम और दो सिम दोनों का बराबर में। अब ये इस तरह से हमारा यह पार्ट्स यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, तो हमारी कटोरी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और अब आप देख सकते हो ये बड़ी दिख रही है, ये बड़ी ही दिखनी चाहिए जब हम सिम करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होगी। कैसे परफेक्ट होगी, देखो ये जो साइड होती है ना, ये जो एरिया इसका तीरे के पार्ट्स का जो ये एरिया होता है, ये उरेप होता है। जब हम इसको यहाँ पे रख करके ऐसे अटैच करेंगे ना, इस पार्ट्स को ऊपर रखेंगे, तो ये यहाँ से बढ़ जाता है थोड़ा सा। बढ़ने की वजह से आपको कटोरी का पार्ट्स हमेशा बड़ा चाहिएगा और ये पार्ट्स थोड़ा सा छोटा, तो बराबर में दोनों मेंटेन हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कटोरी के पार्ट्स को, मैंने आपको ड्रॉइंग दिखा दी है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसकी स्टिचिंग बहुत सरल है वो कर लेते हैं। तो आप इसको फैब्रिक पर कटिंग करके, और जो सीखने वाली बहनें हैं इसकी ट्राई करें कागज़ पे, कागज़ पे इसकी कैसे स्टिचिंग होगी बहुत सरल है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अब ऐसे कट लिया, अब देखो ये जो 32 साइज़ का है ना, इसमें हम क्या करेंगे, पौने तीन इंच लेंथ पे एक पॉइंट लगा देंगे। तो मैंने पौने तीन इंच पे पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। अब हम इसको वन इंच इस तरफ से और वन इंच इस तरफ से एक पॉइंट और लगाएंगे, ये हमारे सिम का पॉइंट होगा, हो गया है। अब इस पॉइंट को आप इस तरह से इसमें ड्रॉ कर लीजिए। हमें कटोरी तैयार कितनी चाहिए थी आपको पता है, मैंने यहाँ पे पौने पाँच इंच की इसमें चौड़ाई रखी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक की ये कितनी चौड़ाई हमारी पौने पाँच इंच का निकाला है। तो यहाँ पे जॉइंट कितनी करेंगे, पौने पाँच की ही जॉइंट करेंगे। तो अब इसको सिम लेने के बाद हमारे पास कितना स्पेस बचता है ये भी हम देखेंगे, स्टिचिंग में कितना जाता है वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, जो हमने पॉइंट लगाया उसको भी इस तरह से फोल्ड कर दिया है, ये हो गया ना हमारी कटोरी, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर में। अब इसको ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करेंगे और ये ऑन हो जाएगी। ये कागज़ की कटोरी बनके बिल्कुल तैयार है ना, ठीक है, एकदम परफेक्ट है और 32 साइज के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। अब आप देखेंगे इसके सिलाई के अंदर कितना जाएगा हमारा, ये सिलाई के अंदर जो इस पार्ट्स का और इस पार्ट्स का सिलाई में दोनों का जाएगा ना, तो उतना हम इसको ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो गया परफेक्ट। अब आप इस पार्ट्स को यहाँ पे अटैच कीजिए, ये देखिए बिल्कुल हमारी जो तीरे का पार्ट्स है यहाँ पे बिल्कुल सही जॉइंट हो जाएगा, अब आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कटिंग कीजिएगा कागज़ के ऊपर, और देखिए बिल्कुल सिलाई सही आ रही है, कटोरी परफेक्ट बन रही है। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल आपके परफेक्ट बनेगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह से आप सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा सीखने को भी मिलेगा, हर साइज वाइज भी मिलेगा। और स्टिचिंग की हम वीडियो आपको नीचे लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे आप स्टिचिंग कैसे की जाती है कपड़े पे वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।